पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के चौथे अंतिम चरण में तीन पंचायत समितियों रायपुर, सहाड़ा व सुवाणा में शनिवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे। इसके लिए 427 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान जिला परिषद के 8 तथा पंचायत समिति के 49 सहित कुल 57 सदस्यों को चुना जाएगा। 3,05,719 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। शुक्रवार को सुबह तिलकनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतिम चरण के लिए नियुक्त मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रिजपाल सिंह बुरडक सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने मतदान दलों में शामिल अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष चुनाव कराएं, किसी के भी दबाव में नहीं आए। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी पालना की जाए। बिना मास्क किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति न दें। सुवाणा, सहाड़ा व रायपुर के रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशिक्षण के बाद सभी मतदान दल ईवीएम सहित चुनाव सामग्री किट लेकर सरकारी वाहनों से सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। वे शाम तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे, वहां मतदान की तैयारी करेंगे। रायपुर पंचायत समिति में जिला परिषद के वार्ड नंबर 7-8, सहाड़ा में 5-9-10, सुवाणा में वार्ड नंबर 4-5-11-12-13 है। इनमें से वार्ड नंबर 11 में निर्विरोध चुनाव हो चुका। वार्ड नंबर 5 दो पंचायत समिति में बटा हुआ है। अब कुल 8 वार्डों में ही जिला परिषद चुनाव होंगे। पंचायत समिति सदस्य के लिए जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 में भी वोटिंग होगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने हर मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था भी करवाई है। बूथ पर मतदाताओं के प्रवेश से पहले हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाएगी। कई बूथों पर 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए सफेद गोले भी बनाए गए हैं। आज भीलवाड़ा जिले में 3 पंचायत समितियों के निर्वाचन अभी बाकी थे, जिनमें सुवाणा, साड़ा और रायपुर 3 ब्लॉक बचे हुए थे। फोर्थ फेज है, जिसमें प्रथम चरण में हमने रायपुर और साड़ा की जो निर्वाचन टीमें हैं, पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनको सेकंड ट्रेनिंग देकर डिस्पैच के वक्त अच्छे से समझाकर कुछ प्रैक्टिकल अनुभव अधिकारियों ने यहाँ शेयर किए हैं और पूरी एनर्जी के साथ इनको रवाना किया है। और तत्पश्चात अभी सेकेंड राउंड में हम जो है सुवाणा की जो टीम है उसको रवाना करेंगे। और कल पोलिंग डे है, सभी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा चुका है और निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा पाने में सफल होंगे। कोरोना एक महामारी का दौर भी चल रहा है, इसके लिए क्या अलग से कुछ कोरोना के लिए हमने कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की हैं। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसको हमने 100% उसकी पालना करने की व्यवस्था की है, जिसमें हमने एक तो मास्क की व्यवस्था की है कि सभी पोलिंग पार्टीज़ के जो बैग हैं उनमें हमने 50-50 मास्क रखे हैं, ताकि वहाँ कोई बिना मास्क कोई व्यक्ति आए, कोई वोटर आए तो उसको मौके पर उपलब्ध करवा सकें। उसके अलावा भी पंचायत राज विभाग को हमने निर्देश दिए हैं, तो प्रत्येक लोकेशन पे और पंचायत राज विभाग के माध्यम से सैनिटाइज़र और मास्क वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। मेडिकल की टीम प्रत्येक लोकेशन पे हमारी उपलब्ध मिलेगी, जो थर्मल गन के साथ और मास्क वगैरह जो व्यवस्थाएँ हैं उनके साथ उपलब्ध मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहाँ मौके पे पुलिस विभाग की तरफ से 3-4 होमगार्ड लगे हुए हैं, जो लोगों को गाइड करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा भी हमने पंचायतों के माध्यम से, SDMs के माध्यम से वहाँ गोलों की व्यवस्था करवाई है, ताकि लोग अगर वेट भी करें तो आपस में ज़्यादा संपर्क में नहीं आए और जो फॉलो करने की जो दूरी है उसकी हम पालना सुनिश्चित करें। पंचायत राज चुनाव का आज चौथा चरण है, हम समस्त कर्मचारी अधिकारीगण निष्पक्ष चुनाव के लिए कटिबद्ध है और हम अंतिम चुनाव होने के कारण प्रसन्न भी है कि आज हमारा यहाँ का चरण खत्म हो जाएगा। कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी समस्या, कोरोना महामारी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए हमारे सारे कर्मचारी भाई इसके लिए तत्पर है और यहाँ भी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और आगे भी जहाँ चुनाव होगा वहाँ भी गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। लोकवाणी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम को कवर करते रहते हैं। धन्यवाद। तो अभी अंतिम चरण का जो मतदान है वो हम कराने जा रहे हैं और अभी हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अंतिम चरण का जो मतदान है निष्पक्ष रूप से करवाएंगे। ठीक है, आपका नाम? लक्ष्मीकांत।